आज मैं बना के दिखाऊंगी। ये एक बंगाली डिश है, माछेर माथा दिए बाधा गोभी। उसका मतलब है फिश हेड से मैं बनाऊंगी ये कैबेज। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो पहले हम चेक कर लेते हैं। बनाने के लिए मैंने कैबेज को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले मैंने एक बड़ा सा कैबेज लिया है, उसको फाइनली चॉप किया है एंड धो के रख दिया है। घी, सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, बड़ा सा टमाटर मैंने रफली कट किया है, अनियन मैंने फाइनली चॉप किया है एंड ग्रीन चिली जितना आपको पसंद है, ये जिंजर पेस्ट है, ये गार्लिक पेस्ट है और चाहिए क्यूमिन पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। सूखे मसाले में है बे लीव्स, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली, ड्राई रेड चिली, सिनेमन स्टिक, कार्डमम एंड क्लोव्स। और चाहिए ये फिश का हेड, मैंने टर्मरिक और सॉल्ट डाल के इसको फ्राई करके रखा है। और चाहिए यहाँ पे गरम मसाला, ये गरम मसाला मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। मैंने पैन को गरम कर लिया है और उसके अंदर जो खड़े गरम मसाले थे उसको डाल दिया है। थोड़ी देर के फ्राई करने के बाद उसके अंदर अनियन डाल के फ्राई किया है एंड थोड़ा सा सॉल्ट दे दिया है, तो अनियन जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा एंड टमाटर भी डाल दिया है एंड थोड़ी देर के लिए ढक के मैं रख दूँगी। अंदर मैं डालूँगी ये गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा गार्लिक एंड 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, उसको डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी एंड उसके अंदर कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा शुगर मिला के मैं इसको मिला दूँगी। एंड उसके बाद मैं जो ग्रीन चिली था वो भी डाल के मैं ढक के रख दूँगी, सॉफ्ट थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। फिर मैं इस कैबेज को डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी अराउंड 30 मिनट्स के लिए, फिर ये ऐसा हो जाएगा। फिर मैं ये ग्रीन पीस एंड जो फिश का हेड है वो मैं डाल के थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी अराउंड 10 मिनट्स के लिए। फिर उसके अंदर गरम मसाला एंड 1 टेबल स्पून घी डाल के अच्छे से मिला लूँगी एंड इसको अराउंड 5 मिनट्स के लिए मैं ढक के रख दूँगी। फिर मैं सर्व करूँगी गर्मा गर्म राइस के साथ ये बाधा गोभी, माछेर माथा दिए बाधा गोभी। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए बाय बाय।